भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज एवं साधकों के उद्धार हेतु साधना की पवित्रता, संयमपूर्ण जीवन, चारित्रिक श्रेष्ठता, सदाचार युक्त एवं आडंबर रहित जीवन के उद्घोषक महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी ने राप्ती और रोहिन नदियों के संगम के सुरम्य क्षेत्र को अपनी तप स्थली बनाया। उन्हीं के नाम पर ये नगर गोरखपुर कहलाया और आज ये विकसित होता महानगर नाथ पंथ के सर्वोच्च केंद्र श्री गोरक्षपीठ एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधिपति पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से पहचाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस जहां गोरखपुर की पहचान है। ये क्षेत्र सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के अग्रदूत महात्मा बुद्ध एवं महावीर जैन की पावन भूमि भी रही है। उसी श्रेष्ठ महंत परंपरा के गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज भारत की आजादी के संत सिपाही तो थे ही, सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत भी थे। 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनकी इसी क्रांति की प्रज्वलित लौ है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने भारत के आजाद होते होते प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का शैक्षिक मॉडल खड़ा कर दिया तथा भारतीय संस्कृति केंद्रित शिक्षा प्रणाली का प्रतिमान बना। आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित करने का श्रेय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को ही है, जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के दो महाविद्यालयों महाराणा प्रताप महाविद्यालय एवं महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय को समर्पित कर दिया। ये विश्वविद्यालय आज अंत्योदय के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को संजोए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम से प्रतिष्ठित है। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के सुयोग्य उत्तराधिकारी आजाद भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत राष्ट्र संत महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य का वटवृक्ष जैसा विस्तृत एवं विकसित स्वरूप दिया। आज 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण के प्राइमरी स्कूल से लेकर पीजी कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, नर्सिंग सहित कृषि विज्ञान केंद्र तक विविध रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संस्थान संचालित हैं। गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के द्वारा दूर दराज गाँवों तक चिकित्सा सेवा पहुँचाई जा रही है। इन संस्थानों में 5,000 से अधिक शिक्षक, चिकित्सक एवं कर्मचारी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष गढ़ने का कार्य हमारी संस्थाएं करती हैं। हमारे चिकित्सालयों से लगभग 25,000 रोगियों का प्रतिमाह उपचार होता है। श्री गोरक्षपीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रेरणादायी नेतृत्व में शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक कल्याणार्थ सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति के कारण नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हमारे आदर्श भारतीय संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श एवं स्वदेश, स्वधर्म, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले राष्ट्र नायक परम वीर महाराणा प्रताप का उज्ज्वल प्रदीप्त चरित्र हमारा आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्रीमुख से निसृत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपति गरियसी तथा पुण्य प्रताप महाराणा प्रताप का ये उद्घोष कि जो हठि राखे धर्म को तिहि राखे करतार हमारे सदा स्मरणीय बोधवाक्य हैं। हमारी संस्थाओं में अध्ययन, अध्यापन, शोध एवं नित नूतन मौलिक नवाचार करने वाला युवा आधुनिक ज्ञान विज्ञान, कला एवं आत्मनिर्भर बनने की रोजगार परक कालोचित शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने देश और समाज के प्रति सहज निष्ठा और अटूट श्रद्धा का पाठ भी पढ़े। 10 दिसंबर 2018 को आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा, ठीक आज से लगभग 1.5 दशक बाद सन 2032 में इस परिषद का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। मेरा सुझाव होगा कि परिषद के शताब्दी वर्ष तक सुविचारित योजनाओं और प्रयासों के बल पर गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में स्थापित करने का यदि आप सब लोग संकल्प लेते हैं। उसी दिन से गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की दिशा में प्रयत्न बढ़ा दिए गए और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोगो विश्वविद्यालय के इसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्रतिध्वनित करता है।
ये विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा के युगानुकूल है। इस विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र में नर्सिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत ANM, GNM, बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc एवं MSc नर्सिंग की कक्षाएं चल रही हैं। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत संचालित महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय में 200 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है। भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर सुधार से मेडिकल प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, जिससे मेडिकल सेंटर में नए अवसर सृजित हो रहे हैं। आयुर्वेद में 5 चिकित्साओं के सम्मिश्रण से बनी एक प्रमुख उपचार विधि पंचकर्म। युवाओं को इस विशेष विधि का अध्ययन कराने के लिए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में BA MS कोर्स भी संचालित किया जा रहा है, जिसकी अवधि 5 वर्ष 6 महीने है। इस अवधि में 4.5 वर्ष कोर्स एवं 1 वर्ष की इंटर्नशिप शामिल है। सत्र 2021-22 से इसकी 100 सीटों पर शिक्षण प्रशिक्षण करवाया जा रहा है तथा पैरामेडिकल के 6 पाठ्यक्रम इसी सत्र से प्रारंभ किए जा चुके हैं, जहां छात्राओं को आवासीय सुविधा के लिए माँ पाटेश्वरी सेवाश्रम छात्रावास संचालित है तथा छात्रों के लिए योगीराज बाबा गंभीरनाथ छात्रावास बनकर तैयार है। वहां आने वाले अतिथियों के लिए भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ अतिथि गृह क्रियाशील है, जिसे 28 अगस्त 2021 को भारत गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त है। ये विश्वविद्यालय आगामी 5 वर्षों में MBBS सहित चिकित्सा एवं शिक्षा के लगभग 30 नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करेगा, जो वर्तमान युग की आवश्यकता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता प्रदान करेगा। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार अर्थात भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत राष्ट्र को समर्पित ऐसे नागरिकों का निर्माण करेगा, जो आत्मनिर्भर होंगे, वैश्विक दृष्टि के साथ अपनी विधा में कुशल होंगे और वैज्ञानिकता के साथ आध्यात्मिकता से युक्त जीवन की सफलता का उदाहरण होंगे।